ओम गं गणपतये नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा पूजन विधि एवं महत्व। विनायक चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे गणेश चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इस दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी को सभी विघ्नों को दूर करने वाला माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को बुद्धि के देवता भी माना जाता है, इसलिए छात्र गणेश जी की पूजा करके बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने की कामना करते हैं। विनायक चतुर्थी को नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग नए काम की शुरुआत करते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ कपड़े पहने घर में किसी साफ जगह पर चौकी रखकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश को रोली, चंदन, अक्षत, फूल, सिंदूर और दुर्वा अर्पित करें। पूजा के दौरान गणपति को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणपति बप्पा को सभी का पत्ता अर्पित करने से सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी के समक्ष चौमुखी दीपक जलाएं। विनायक चतुर्थी का महत्व। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है। इस पर्व को भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश को सभी विघ्नों को दूर करने वाले देवता माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को बुद्धि के देवता माना जाता है, इसलिए छात्र गणेश जी की पूजा करके बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने की कामना करते हैं। विनायक चतुर्थी को नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग नए काम शुरू करना शुभ मानते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। गणेश जी को चंदन, रोली, कुमकुम और फूलों से श्रृंगार करें। गणेश जी को मोदक, दूध, फल और अन्य मिठाइयाँ चढ़ाएं। गणेश जी के विभिन्न मंत्रों का जाप करें और गणेश जी की आरती करें। पूजा के समय सभी विधि विधानों का पालन करें। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो सात्विक भोजन करें। गणेश स्तोत्र का पाठ करने से मन शांत होता है और दान करने से पुण्य मिलता है। अशुद्ध भोजन न करें। इस दिन मांस मछली और अंडे का सेवन ना करें। झूठ ना बोलें। किसी का अपमान ना करें। क्रोध ना करें। नकारात्मक विचार ना रखें। गणेश जी की मूर्ति को अपमानित न करें। विनायक चतुर्थी के व्रत में क्या खाएं? फल, सब्जियां, दूध और दही, सूखा फल, कुट्टू का आटा, सेवई, फलाहार, मखाने आदि। विनायक चतुर्थी के व्रत में क्या ना खाएं? अनाज, दाल, मांस, लहसुन और प्याज, तेल और घी, नमक। विनायक चतुर्थी व्रत का ऐसी करें पारण। विनायक चतुर्थी का व्रत रखने के बाद पारण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पारण का मतलब है व्रत तोड़ना। पारण करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पारण करने का सबसे शुभ समय चंद्रमा को देखने के बाद होता है। पंचांग में दिए गए मुहूर्त के अनुसार पारण कर सकते हैं। पारण करते समय मन को शुद्ध रखें।
और भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा भाव रखें। पारण के बाद किसी मंदिर में जाकर दर्शन करें और गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करें। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने पर विजेता का फैसला करें। महादेव और माता पार्वती ने खेलना शुरू किया और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने बालक से क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हो गया है, जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आईं, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों का भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं।